हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमाला इन्फिनिटी। तो गाइज, आज के आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी एक्ने स्टोरी। ओके, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ से ये एक्ने की प्रॉब्लम मेरी लाइफ में शुरू हुई और कैसे मैंने इसको अपनी लाइफ से दूर किया। ओके, तो गाइज, मेरी एक्ने स्टोरी सुननी है तो आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा कुछ साल पहले, लाइक बैक पीछे। ओके, साल 2003 यानी 2003 में जब मैं मैच्योर हुई, तो उसके बाद से थैंकफुली मेरे जो चम्स होते थे या मेरे जो मंथली पीरियड्स होते थे वो एकदम एक्यूरेट होते थे। लाइक इतनी डिटेल ज़रूरी है क्या? आई डोंट नो, बट ठीक है, अब बोल रहे तो बोल ही देते हैं। तो हर महीने जो है मुझे एग्जैक्ट डेट पे मेरे पीरियड्स आ जाते थे, तो मुझे कभी ऐसा नहीं होता था कि यार अचानक से पता नहीं कि कब होने वाला है क्या है और अचानक से हो गया। तो इस तरह की कभी कोई दिक्कत मुझे हुई नहीं है थैंकफुली, और उसकी वजह से तो सब कुछ नॉर्मल था, मेरे हॉर्मोन्स नॉर्मल थे, सब कुछ सही था। बस हाँ, यही होता था कि हर महीने जब मेरे पीरियड्स होने वाले होते थे तो अराउंड माई पीरियड्स मुझे एक छोटा सा पिंपल आता था मेरे फेस पे, कहीं भी मतलब फेस पे एक पिंपल आता था तो वो इंडिकेशन होता था कि अच्छा पिंपल आ रहा है तो मतलब अभी मेरा पीरियड होने वाला है। तो ये इस तरह से होता था, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वो उतना मार्क्स भी नहीं छोड़ता था बिकॉज एक पिंपल है, और वो भी ये ऐसा नहीं कि एकदम ह्यूज है या वो पूरा एक एरिया में पूरा भर गया, इस तरह से नहीं था, तो इतनी मुझे कभी प्रॉब्लम होती नहीं थी। ठीक है, सो थिंग्स वर फाइन। और ये चलता रहा अनटिल 2010 आई थिंक, जब मेरी लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़ होने लगी थी। और उस टाइम पे आई वेंट टू अ लॉट ऑफ लाइक, मुझे बहुत स्ट्रेस होने लगा था लाइफ में बिकॉज ऑफ हाउ एवर थिंग्स वर। ओके, एनीवेज, तो वो सारी चीज़ें ना मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके हर वो चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही है कि मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर सकूं, लाइक है ना। तो आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो ये सब चीज़ें जान के, अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में हो तो आप उससे कैसे हैंडल कर सकते हो, उससे कैसे बाहर निकल सकते हो, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ में कैसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। तो अगर मेरा जो फॉलोअर्स, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा होंगे तो उनके साथ में, तो तब शेयर करने में ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। अभी बोल के फ़ायदा नहीं है, अगर 20-30 लोग ही इसे देखेंगे तो मतलब नहीं है ना इसका, इसीलिए आप लोग समझो इसको। कोई वैसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती, बट बताऊंगी मैं, थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को यू नो सबके सामने रखने में, राइट। तो ठीक है, वो सब हम लोग बाद में बात करते हैं। तो उस टाइम पे मुझे इतना स्ट्रेस होने लगा, कि शायद वो चीज़ मेरे हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट कर रही थी और वो मेरे यू नो फेस पे भी दिख रहा था वो चीज़। तो इससे मेरे पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस यही होता था क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज इन बैंगलोर, तो बैंगलोर का आप वेदर जानते हो कि वहाँ थोड़ा अलग वेदर है। वहाँ पे मेरे पीरियड्स होते थे एकदम टाइम पे, बट उतना नहीं फ्लो होता था जितना कि नॉर्मल यहाँ पे मुझे होता था। ठीक है, बाकी मुझे कभी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ, बहुत मुझे उस टाइम पे मुझे स्टार्टिंग से ही है कि बैक पेन होता है, पैरों में दर्द होता है पीरियड्स के टाइम पे, और मूड स्विंग्स होते हैं लाइक बिग टाइम। हाँ, तो मतलब उस टाइम पे मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। ओके, वो PMS के बारे में ना हम लोग कभी और बात करेंगे, क्योंकि इट्स अ होल डिफरेंट थिंग। हाँ, उसके बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम, मैं बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या होता है। ठीक है, तो इट विल बी फन टॉकिंग अबाउट इट। ओके, तो वो हम कभी और बात करते हैं, आज सिर्फ एक्ने पे ध्यान देंगे। जब मैं बैंगलोर में थी और ये वाला स्टेज जो मेरी लाइफ का चल रहा था उस टाइम पे, ये 3 days हो गया था। ठीक है, और जैसे कि 2 days में को अच्छा फ्लो होता था और 3rd day लाइक ना के बराबर, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं इसीलिए बता रही हूँ, आप लोग बोलेंगे कि यार ये कितना डिटेल में बता रही है, इसको शर्म नहीं है, ये है वो है, आप लोग ऐसा मत सोचो। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि
आपका जो हेल्थ है ना, वो जो लड़कियां होती हैं उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर सही से नहीं चल रहे हैं, उनका पीरियड्स, उनके पीरियड्स अगर सही से नहीं हो रहे हैं, तो ये उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मैं मतलब आप लोग भी समझिए, अगर ऐसा आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कंसल्ट कीजिए किसी डॉक्टर वगैरह से। ठीक है, अदरवाइज़ आई होप कि सब लोग अच्छे ही रहें। ठीक है, तो उसके बाद में जब ये वाला स्टेज चल रहा था तो मेरे पिंपल्स ने एक अलग ही रूप ले लिया था। लाइक मेरे को ज़्यादा पिंपल्स होने लगे थे पहले से, और वहाँ पे आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट बैंगलोर में भी मतलब काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि उनके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, बहुत पिंपल्स होते हैं। मे बी वहाँ के वेदर की वजह से, वैसे वेदर बहुत वहाँ का अच्छा लगता था मुझे, एकदम ठंडा ठंडा सा रहता था, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, तो काफ़ी अच्छा वेदर है वहाँ का। बट स्किन पे बहुत लोगों को मैंने देखा कि वहाँ पे पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो मेरे को भी ऐसा होने लगा था। और ये मैं नहीं समझ पा रही थी कि किस वजह से हो रहा है। उस टाइम पे क्या है कि कोई इतना ध्यान नहीं देता था कि पिंपल्स हो रहे हैं तो ठीक है, अभी जवान हैं तो जवानी में होते हैं पिंपल्स, टीनेज में पिंपल्स होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा करके सब सोचते थे। पर क्या हुआ कि ये चीज़ ना बढ़ रही थी, मतलब ज़्यादा ज़्यादा पिंपल्स होने लगे थे मुझे, और ये सिस्टिक एक्ने जैसा नहीं था। ठीक है, वो छोटे 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 जो हो जाते हैं ना, वैसा नहीं था, ये मुझे गाल पे होते थे। ठीक है, और हाँ मतलब ऑल ओवर द फेस, कभी कहीं पे भी हो जाते थे, कभी यहाँ पे हो गया, कभी यहाँ पे हो गया, कभी यहाँ यहाँ गाल पे हो गया, कभी चिन एरिया में हो गया, इस तरह से होते थे। एंड जब मैं पिंपल्स या एक्ने के बारे में बता रही हूँ तो मैं ये भी बता दूँ कि मेरा जो बाउल सिस्टम है वो हमेशा सही रहता था, यानी जब मेरा पेट का जो है कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी, हमेशा क्लियर रहता था सब कुछ, अभी भी माशाल्लाह क्लियर है। तो इसकी वजह से नहीं प्रॉब्लम हो रही थी, ये हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम थी जो मैं उस टाइम पे नहीं समझ पा रही थी। कुछ तो वेदर की वजह से हो रहा था और कुछ हॉर्मोन्स की वजह से। तो बैंगलोर में जब थी तो ऐसा ऐसा हो रहा था, तो मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने उन्होंने सजेस्ट किया कि वो उस टाइम पे जो है अपना स्किन ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम दिखा लेते हैं। और फिर उस टाइम पे जो है मेरी मम्मी ने भी कहा कि हाँ एक बार दिखा लो, तो देखते हैं कि वो दवाई ववाई ले लो तो थोड़ी ठीक हो जाएगी, वरना चेहरे पे दाग धब्बे हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं चली गई, और वो एक लेडी डॉक्टर थी, लाइक वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी आई थिंक, तो उन्होंने मुझे बालों के लिए और मेरे स्किन के लिए उन्होंने काफ़ी हिस्ट्री वगैरह ली सबकी, कि मतलब आपके फैमिली में किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, सब कुछ उन्होंने पूछा था। शी वॉज रियली गुड, ठीक है, वो अच्छी थी, उन्होंने वो सब कुछ पूछा, और सब कुछ पूछने के बाद में जो है कुछ दवाइयाँ वगैरह दी थी। दवाइयाँ इन द सेंस कुछ खाने के लिए ज़्यादा नहीं थी, एक आध दवाई ही थी। ठीक है, मैं ज़्यादा पिल्स वगैरह लेना प्रेफर नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने बस एक आधी कुछ खाने की दवाई दी थी, बाकी सब लगाने की चीज़ें थी। यानी एक फेस वॉश था, मुझे याद है उसका नाम, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, अगर मुझे वो याद आता है ना तो मैं पिक इंसर्ट कर दूँगी यहाँ पर। ठीक है, वो मिलता है ऑनलाइन भी, आप ख़रीद सकते हो, वो वाला फेस वॉश उन्होंने मुझे बोला था यूज़ करने के लिए। साथ ही जो सोप, मैं उस टाइम पर मैं सोप ही यूज़ किया करती थी। ठीक है, उस टाइम पर मैं बॉडी वॉश नहीं यूज़ किया करती थी, फेस वॉश तो यूज़ कर लेती थी बट बॉडी वॉश नहीं। तो उन्होंने बॉडी के लिए मुझे डर्मा ड्यू करके जो एक बेबी सोप होता है वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये यूज़ करो। और फेस पे भी उन्होंने, उस टाइम पे मेकअप भी नहीं किया करती थी मैं इतना। ठीक है, कभी कभी अगर कोई स्पेशल ओकेशन है, कहीं जाना है तो मैं कर लेती थी, अदरवाइज़ ऑफिस के लिए थोड़ा बहुत करती थी, ऐसा बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं। उस टाइम पे तो यूट्यूब भी नहीं चलाती थी मैं, जो मैं यू नो ज़्यादा मेकअप मुझे कभी करना पड़े, तो मेकअप वेकअप की वजह से भी नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला कि ये हॉर्मोन्स के लिए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जो है दवाई, उन्होंने एक्चुअली ज़्यादा बताया नहीं था कि क्या के लिए हो रहा है, तो बट उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और एक क्रीम दिया था, वो एक्ने मॉइस्ट नाम का एक मॉइस्चराइज़र दिया था जो कि बहुत अच्छा था, वो बहुत काम करता था। जो फेस वॉश उन्होंने दिया था ना, वो शायद सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश ही था, बट वो बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता था मेरे स्किन को। ठीक है, तो वो मुझे यूज़ करना नहीं अच्छा लगता था, बट उन्होंने बताया था कि ऐसा होगा, तो इसी के लिए आप जो है जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आप जो एक्ने मॉइस्ट है वो आप लगा लेना। तो गाइज़ जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ चीज़ें, वो आप अपने, अगर आप यूज़ करने का सोच रहे हो तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जो है पूछ के ही यूज़ करना। ठीक है, तो
क्योंकि मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि इनसे क्या फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज़ें मैं यूज़ कर रही थी, कुछ दिनों तक मैंने यूज़ किया और ये वाली जो प्रॉब्लम है ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई थी मेरी। और एक उन्होंने कोई छोटी सी क्रीम भी दी थी, आई थिंक क्लिंडामाइसिन वाला या कुछ तो दिया था, शायद वो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स के लिए ही होता है, तो वो ऐसा कुछ उन्होंने दिया था। तो बस ये कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे दी यूज़ करने के लिए, ठीक है। और वो मैं यूज़ कर रही थी रेगुलरली, तो फेस का जो है वो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, ठीक है। अब उसके बाद में ना एक तो प्रॉब्लम ये थी, फिर मैं क्योंकि खड़गपुर आ गई थी तो क्या है कि वो सेम दवाइयाँ यहाँ पे मिलती नहीं हैं, तो इसीलिए फिर बार बार मंगाना भी मुश्किल हो जाता था, इसलिए मैंने वो सब यूज़ करना बंद कर दिया। तो माई स्किन वॉज़ गुड, बट स्ट्रेस जो है लाइफ का, जो स्ट्रेस मेरा चल रहा था ना, जो उस टाइम पे शुरू हुआ ना, वो चलता ही गया चलता ही गया चलता ही गया, वो बढ़ता ही गया, कम तो नहीं हो रहा था। तो फिर वो क्या है ना कि इस वजह से हार्मोन्स मेरे गड़बड़ हो गए, गड़बड़ी हो गई है हार्मोन्स में, तो मेरे को फिर जो एक्ने, जो अलग तरह का एक्ने शुरू हुआ था, वो ऐसे अब बड़े बड़े एक्ने नहीं होते थे मेरे को, बड़े पिंपल्स वगैरह नहीं होते थे, छोटे 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 होते थे, और यू नो एक एरिया पूरा होता था, यहाँ पे ज़्यादातर चिन एरिया में होता था, यहाँ पर इस जगह पे या यहाँ कहीं पे एक आध हो गया, यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं बट इस एरिया पे होते थे, फिर मेरे गालों पे होते थे, ठीक है। अभी जो भी आप मेरे फेस पे थोड़े बहुत वो ये देख रहे हो ना, ओपन पोर्स जैसे एनलार्ज्ड पोर्स बोलते हैं इनको, तो ये सब जो भी देख रहे हो ना, ये सब उन्हीं की देन है, ठीक है। ऐसे करके वो हो गए थे, और ये सब हो रहा था हॉर्मोन्स की वजह से, और कभी ट्रीटमेंट के लिए किसी ने कहा नहीं, किसी कोई देखे गया नहीं, और मैं उस टाइम पे अपने लाइफ में इतनी उलझी हुई थी कि मैं बाहर फिर ये सब क्या दिखाने जाती, तो ये चीज़ चलती गई और मैंने नोटिस नहीं किया था, ठीक है। उस टाइम पे जो ठीक हो गया था, उसके बाद में मैंने इतना हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, कब हो रहा था, क्या, मैं ये नोटिस नहीं कर रही थी। तो बारी आई 2014 की, 2014 फेब में, अब मेरे को ऐसा होता था ना कि मतलब पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और वो कभी कभी इचिंग होने लगती थी, उसमें बहुत दिक्कत होने लगी मुझे पिंपल्स से, ठीक है, क्योंकि वो इरिटेट करने लगे अब मुझे, तो ऐसा होने लगा। फिर उसके बाद में मैं नोटिस करने लगी कि ये जो है सीजनल एक्ने हो रहा था मुझे, ठीक है, काइंड ऑफ सीजनल एक्ने था, क्योंकि ये हर बार जैसे आपका जो विंटर्स शुरू होते हैं तब वो शुरू हो जाते थे पिंपल्स, और ये पूरे चलते थे फेब मार्च तक आते आते ये ख़त्म होते थे, बाकी का जो पूरा साल है वो लगता था उन मार्क्स को फेड होने में, और फिर जब विंटर्स शुरू होते थे फिर ये शुरू हो जाते थे, तो इस तरह से ये साइकिल चल रहा था। बट मैंने इतना नोटिस नहीं किया, ये फेब 2014 की बात है जब मैंने एक्चुअली ध्यान देने लगी मैं इस चीज़ को कि यार ये क्यों हो रहा है मुझे, मतलब मैं पहले तो मेरी स्किन बेहतर थी, अच्छी थी, और अब ऐसा क्यों होने लगा है, ठीक है। मुझे लगा कि अच्छा ये सीज़न में ही तो हो रहा है, ठीक है, वो सीज़न की वजह से हो रहा है शायद, अब यहाँ पर ऐसा वेदर है तो हो रहा होगा, वो तो ठीक भी हो जाता है, तो फिर मैं उसको भी अपने तरीके से जो होम रेमेडीज़ वगैरह होती हैं वो सब मैं करती और वो ठीक हो जाता था, ठीक है। बहुत कुछ मैं नहीं लगाती थी उस वक्त, फेस वॉश जो है मैं आई थिंक पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का लगा रही थी, वो एक्ने के लिए नहीं था बट मेरे लिए बहुत वर्क करता था, क्योंकि वो जो एक्सेस ऑयल वगैरह है वो रिमूव कर देता था और एक्ने उसमें कम होने लगे थे मुझे। हिमालय का मैंने फेस वॉश यूज़ किया, नीम वाला डिडंट वर्क फॉर मी, ठीक है। क्लीन एंड क्लियर लोगों ने कहा यूज़ करो, बहुत अच्छा है, पिम्पल्स नहीं होंगे, डिडंट वर्क, ओके। तो पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी काम कर रहा था, जबकि मुझे पॉन्ड्स के सारे प्रोडक्ट्स नहीं पसंद है, कुछ कुछ ठीक है बट सारे प्रोडक्ट्स मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। तो हाँ, अनएक्सपेक्टेडली ये काम कर रहा था, तो फिर मैंने इसी को कंटिन्यू किया। काफ़ी साल मैंने ये फेस वॉश यूज़ किया है, चारकोल का भी आता है उनका एक, वो भी बहुत ही बढ़िया है, और एक आता है वाइट एंड पिंक वाले पैक में, वो भी मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये मैं यूज़ कर रही थी, बाकी फेस पे मैं मॉइस्चराइज़र लगाना मैंने छोड़ दिया, नहीं लगा रही थी मैं कभी, अगर मुझे लगता कि मेरी स्किन ऑयली होने वाली है तो मैं पाउडर लगा के चली जाती, ठीक है। और या फिर मैंने ट्राई किया कि मैं जो है जॉनसन बेबी का जो क्रीम है वो मैं अपने फेस पे लगाऊं, तो शायद मुझे
इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होती है, बट क्योंकि वो ऑयली है तो मैं ये जल्दी ही समझ गई कि ऑयली है तो ऑयली मेरे फेस पे तो ऑयली वाली चीज़ें चलेंगी नहीं, तो वो भी मैंने बंद कर दिया था उस टाइम पे। तो फिर मैं ऐसे एज अ मॉइस्चराइज़र कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, कभी कभी अगर लगता तो मैं एलोवेरा जेल वगैरह कुछ लगा लेती थी या फिर नहीं कुछ नहीं, ऐसी बेयर फेस में रहती थी। विंटर्स में क्यों हो रहा था, इसका एक रीज़न ये है कि हॉर्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, विंटर्स में, और दूसरा ये कि क्योंकि बहुत ठंड होती है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ठंड ठंड होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत, वो दिल्ली वाली ठंड नहीं होती है बट यहाँ पे भी ठंड होती है, तो कई बारी ना नेग्लिजेंट हो जाते हैं हम जो है अपने स्किन केयर को करने में। नाइट टाइम स्किन केयर मैं पहले नहीं कर रही थी, ठीक है, जब मैंने अपनी स्किन पे ध्यान देना शुरू किया तो मैंने स्टार्ट किया कि मैं रात को कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं अपना फेस वॉश करके सोऊं, तो दिन भर की जितनी भी धूल मिट्टी है या जो भी डर्ट है, जो भी ऑयल आ गया है मेरे स्किन पे, उसको मैं एक बार धो लूं और फिर मैं सो जाऊं। आप नहीं मानेंगे मैंने क्या क्या इसके लिए यूज़ किया। एक टाइम ऐसा भी था, इतनी तंग आ गई थी कि मैं जो गार्नियर का मेंस फेस वॉश है ना, ऑयल कंट्रोल वाला, वो भी मैंने लगा लिया अपने फेस पे। देन आई रियलाइज्ड कि यार मतलब ऐसे कुछ उसने बैड इफेक्ट नहीं दिया मेरे स्किन पे, बट मैंने रियलाइज़ किया यार हमारी स्किन तो लड़कों की स्किन से सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, तो ये चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए मुझे शायद। तो फिर मैंने उसको बंद भी कर दिया, लाइक मैंने ख़रीदा नहीं था, किसी और का मैं यूज़ कर रही थी और लाइक भाई वाई का यूज़ कर रही थी, मैंने बोला कि नहीं यार मेरे को नहीं यूज़ करना, कहीं फिर और प्रॉब्लम कुछ ना हो जाए, तो इसलिए मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया। देन मुल्तानी मिट्टी वगैरह जो भी DIYs होती हैं घर पे, वो मैं करती थी और उसमें अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिलता था, तो मैं उसी में खुश हो रही थी। और उसके बाद में मैंने नाइट टाइम स्किन केयर जो है करनी शुरू करी। नाइट टाइम स्किन केयर में बस वही फेस वॉश करती थी और उसके बाद में कभी ऐसे ही रहने देती थी, या अगर कभी मुझे लग रहा था कि बहुत स्वेट हो रहा है या बहुत फिर ऑयली ऑयली सी हो रही है स्किन, तो जाके मैं क्या करती थी ना, आप मानेंगे नहीं, तब मैं जाके या तो पाउडर लगा लेती थी अपने फेस पे या फिर मैं लगा लेती थी जो आपका प्रिकली हीट पाउडर होता है ना, जो कि आपको फेस पे नहीं लगाना चाहिए, तो वो भी मैं लगा लेती थी। भाई इतनी इरिटेशन होती थी स्किन में, आप लोग नहीं समझेंगे, आप लोग शायद हंसेंगे मुझ पे कि क्या करती थी, बट इतनी इरिटेशन होती थी, ठीक है, और ऐसा होता था। फिर मैं मतलब मैं जानती थी कि ये नहीं करना चाहिए, बट उस टाइम पे ना जब बहुत ज़्यादा स्किन पे इरिटेशन हो रही है तो आपको लगता है कि बस अभी ठंडक पहुँच जाए मेरे स्किन को, तो इस तरह से मैं करने लगी। उसके बाद मैंने इसको भी धीरे धीरे करके बंद कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि ये नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद में मैं हल्दी लगाती, कभी चंदन लगाती, तो इस तरह से कुछ 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 करती थी जिससे नाइट टाइम में ये सारी चीज़ें लगाती थी। दिन में तो नहीं लगाते क्योंकि धूप पे फिर आप अगर जाते हो हल्दी वगैरह लगा के तो इट्स नॉट गुड, है ना, आपकी स्किन और ज़्यादा टैन हो जाती है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए क्योंकि मैं हर चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ बोर मत होना, सुन लीजिए आप लोग, शायद इनमें से छोटी छोटी चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी ना जो शायद आप भी कभी किए होंगे या करने वाले होंगे, तो मत कीजिएगा ये सब जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सब होने लगा, फिर धीरे धीरे मैं खोजने लगी रेमेडीज़ की, ये क्या होता है कैसे, यहीं से एक्चुअली ये सारी चीज़ें भी हैं एक रीज़न कि मैंने यूट्यूब का चैनल क्यों खोला है, मेरा इंटरेस्ट कैसे बढ़ा इसमें। तो मैं जब बैंगलोर में थी तब मैं गार्नियर का जो मॉइस्चराइज़र है वो लगाती थी, वो मेरे स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता था, बट पिंपल दे जाता था, एक आध तो पिंपल आ ही जाते थे उससे भी, तो बट मेरी स्किन ना बहुत मस्त वाला ग्लो करती थी उस टाइम पे, शायद मेरी एज की वजह से क्योंकि मैं टीनेज में थी, और ये भी हो सकता है या दिन भर एसी में रहती थी वो भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि गार्नियर ही काम कर रहा था, तो जो भी है वो उस टाइम पे लगा रही थी। फिर मैंने चेंज किया क्योंकि मैं पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी वाला फेस वॉश यूज़ कर रही थी, तो वही वाला सेम मैं क्रीम भी यूज़ करने लगी थी मॉइस्चराइज़र, बट वो मॉइस्चराइज़र मुझे उतना सही नहीं लगता था क्योंकि वो काइंड ऑफ अ वाइट कास्ट छोड़ देता था मेरे फेस पे, और ऐसा सच कुछ काम करता था ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। तो मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया एक आध बार और फिर एक आध डिब्बिया ख़त्म करने के बाद में
मैंने उसको भी बंद कर दिया। ये सब होते होते मैंने थोड़ा अपने स्किन को समझना शुरू किया और साथ ही जो है कि क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इनके लिए मैं काफ़ी सारे बुक्स वगैरह पढ़ा करती थी, काफ़ी जगह से मैं इंफॉर्मेशन गैदर करती थी। तो सबसे बढ़िया चीज़ मैंने जो करनी शुरू की ना, उस टाइम पर भी मैं पानी ज़्यादा नहीं पिया करती थी, मैं बता रही हूँ आपको, अनटिल लाइक मेरी प्रेगनेंसी के टाइम से मैंने पानी ज़्यादा पीना शुरू किया, उसके पहले तक भी मैं पानी नहीं पीती थी, ना के बराबर ही पीती थी। तो वो एक गलती थी, वो नहीं करनी चाहिए। जब से मैं पानी ज़्यादा पीने लगी हूँ तो मेरी स्किन अच्छी हो गई है, ठीक है, काफ़ी अच्छी हो गई है। दूसरी चीज़ जो है, मैं अपना स्किन का ध्यान रखने लगी, तो ज़्यादा कुछ नहीं भी तो मैं क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ये तीनों वो भी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगी। और ये जो है दिन में दो बार क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग ज़रूर कर लेती थी। और स्क्रबिंग के साथ में भी मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी कि जब इस तरह से पिंपल्स होने लगे थे ना, तो एक तो यार मतलब नहीं रहा जाता, लोग कहते हैं कि आप नाखून मत लगाओ, उनको पिंच मत करो, उसको पिंपल को यू नो बाहर उसमें जो भी है उसको बाहर निकालने की कोशिश मत करो, बट इतना इरिटेट करता है ना ये सब चीज़ आपको कि मतलब आप हाथ लगाए बिना रह ही नहीं सकते यार। अगर दिन भर में आपने कंट्रोल कर भी लिया खुद को ना, रात को नींद में तो आपको आपके नाखून लगने ही लगने हैं इस जगह पे, और ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मैं बताऊँ आपको, मैंने अपनी जो स्किन की कंडीशन मैंने ठीक करी है ना, ये मेडिकल चीज़ें नहीं मतलब दवाइयों से ज़्यादा मैंने अपने जो डेली रूटीन है उसमें मैंने सुधार लाया और DIYs करी, और इन्हीं सब चीज़ों से मेरी स्किन बेहतर हुई है, ठीक है। हाँ, अगर कोई इंटरनल इशू है आपकी बॉडी में, अगर कोई सच में इंटरनल इशू है, तो हो सकता है कि आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़े, ठीक है। सब चीज़ें आप अपने से ठीक नहीं कर सकते, तो उस टाइम पर आपको जाना चाहिए, पर साथ के साथ अगर आप ये चीज़ें भी करोगे तो एडेड बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। मेरी कुछ बहुत ही फेवरेट जो है ऐसी रेमेडीज़ हैं, DIYs हैं, जो आप घर में कर सकते हो, एंड ये एक्ने मार्क्स इन सब के लिए ना बहुत काम करता है, लाइक मिरेकल जैसा काम करता है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू कीप पेशेंस, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप एक बार लगा लोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, ठीक है, धीरे 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 करके सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक पिछले 3 साल आप ले लो, है ना, 3 साल से मैंने जो है स्ट्रेस को अलविदा कह दिया है, अलविदा, एकदम बाय बाय, टाटा बाय बाय, कुछ भी हो जाए अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का है। कभी कभी हो जाता है स्ट्रेस, ठीक है, बिकॉज आप सिचुएशन जो भी है, आपकी रियलिटी को आप यू नो इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो स्ट्रेस हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, बट उसको कंट्रोल करना आपके बस में है, राइट। तो ये सारी टेक्निक्स भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी बाद में। तो गाइज, एक ही वीडियो में जो है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करना तो मुमकिन नहीं है, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी कि कैसे आप स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हो, और मतलब स्ट्रेस अगर आपको होता है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, कम कर सकते हो, कैसे आप अपने माइंड को जो है अच्छी चीज़ों में लगा सकते हो, कैसे खुश रह सकते हो, ये सब चीज़ें आप मुझे अभी देख रहे हैं, मैं जो है मैक्सिमम खुश ही रहती हूँ, तो ये ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है, इसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा, मैंने खुद पे बहुत काम किया तब जाके मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ, और लाइफ भी काफ़ी यू नो खूबसूरत हो गई है। मैं ये सारी चीज़ें आपको टेक्निक्स बताऊँगी, सारे राज खोल दूँगी मैं आप लोगों के साथ, आपके लिए सारे राज मैं खोल के रख दूँगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस चैनल से, धीरे धीरे करके, है ना, एक साथ में बहुत ज़्यादा ज्ञान देना अच्छा नहीं होता है। मेन चीज़ जो चीज़ें मैंने करनी शुरू करी है, पानी ज़्यादा पीना, देन स्किन का ख्याल रखना, कुछ भी मत लगा लो अपने स्किन पे, ठीक है। मेरे पास अभी बिकॉज मैं इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं स्किन केयर से रिलेटेड, देन मेकअप से रिलेटेड, बट ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पोत देती हूँ अपने चेहरे पे, नहीं, मेरे पास बहुत सारे फेस पैक्स हैं, बहुत सारे स्क्रब्स हैं, बहुत कुछ है, मैं सब चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ। अगर कोई चीज़ मैं ट्राई करने के लिए यूज़ कर रही हूँ और उसने मुझे पिंपल दे दिया या फिर स्किन में कोई प्रॉब्लम हुई, तुरंत मैं उसको बंद कर देती हूँ, एक बार दो बार तीन बार ट्राई करती हूँ मैं उसको, ताकि मैं जान सकूं कि ये उस प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है या किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है। बट अगर रिपीटेडली हर बार एक ही चीज़ हो रही है तो मैं उसको किसी को दे देती हूँ जिसको वो सूट करे, या नहीं किसी को सूट कर रहा तो फेंक देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपके हेल्थ को आप हैम्पर करो, इससे अच्छा है कि ठीक है
एक आध मतलब प्रोडक्ट आप फेंक देते हो या प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हो, किसी को दे दे रहे हो, तो कोई बात नहीं, चल जाता है सब ठीक है। अभी आप जैसे मेरी स्किन देख रहे हो ना, ऑब्वियसली मैंने थोड़ा बहुत बेस किया है, बट अभी मेरी स्किन अच्छी है। लाइक अगर पिंपल्स होते तो वो दिखते, क्योंकि मैंने इतना भी प्रोडक्ट नहीं लगाया है। मैं ऐसा पूरा पूरा एकदम फुल कवरेज वाले फाउंडेशन नहीं लगाती अभी, अनलेस कि मैं कोई इवेंट में जा रही हूँ तो ही मैं फुल कवरेज करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती मैं ठीक है। तो अभी मेरा स्किन में इतना भी प्रोडक्ट नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको दिख जाएगी राइट। ऐसा होता है ना, आपको कहीं पीचिंग हो रही है, कहीं स्क्रैच करने का मन हो रहा है, तो आप उसको क्या करते हो, बहुत खूब अच्छे से स्क्रैच करते हो, फिर उसके बाद में भले वो जल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा करने लगी थी मैं, और एक भी पिंपल होता तो उसको बस जब तक मैं उसको पूरा मतलब ख़त्म नहीं कर देती थी तो मेरा मन ही नहीं भरता था। इस तरह की चीज़ें मैं कर रही थी जो नहीं करनी चाहिए, मत कीजिए आप ठीक है। रादर देन ओवर स्क्रबिंग, रादर देन उनको नाखून लगाना या उसको फोड़ना, ये सब करने से अच्छा है कि आप उस पर कोई ऐसी चीज़ लगा दो जो आपको जल्द से जल्द हील कर दे उस जगह को ठीक है। ये सारी रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको देखनी है ना ये सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप पिंपल्स या एक्ने की जगह पे लगा सकते हो या दाग धब्बों पे लगा सकते हो जो उसको हील कर देगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है। मैं आप लोगों के साथ भी जल्द से जल्द शेयर करूँगी। फिर फेस पैक की बात है, तो फेस पैक लगाने मुझे अच्छे लगते हैं, बट मैं लेज़ी हो गई थी, मुझे फेस पैक बनाने में इतना नहीं वो लग रहा था। हाँ, खाली ये एक्ने वाली चीज़ें मैं लगाने लगी थी थोड़ा बहुत, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरे साथ ऐसा होता है कि इफ़ आई एम नॉट लुकिंग गुड I don't feel confident. तो ये चीज़ मेरे साथ में होती है हाँ, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं ना, वहाँ पे लोग बहुत कमेंट करते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, भैया ये तो ऐसी दिखती है, ये वैसी दिखती है, ये गंदी दिखती है, इसके फेस पे इतने पिंपल्स है, यू यक, इस तरह के चेहरे बनाते हैं, बहुत कुछ हाई लेवल पे है ये सब कुछ ठीक है अभी भी। तो इसीलिए हाँ, तो मैं मतलब ये सब चीज़ें नहीं सुनना चाहती, तो मैं कोशिश करी थी कि हाँ मुझसे जितना बन पड़ता है भाई, अगर मेरी स्किन अच्छी हो रही है तो ये मेरे लिए भी अच्छा है ना, फॉरगेट अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग, बट आपके लिए खुद के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है इससे। तो मैं अपनी स्किन का ध्यान रखने लगी, ये सारी चीज़ें फॉलो करने लगी, तो मेरी स्किन अच्छी हो गई है। और मैंने ज़्यादा मेडिकल हेल्प नहीं ली, जो इनिशियली ली थी वो काम की थी, बट बहुत एक्सपेंसिव उनके दवाइयाँ थी, और उसके बाद में जो है फिर मुझे बैंगलोर बार बार जाना पड़ता इस चीज़ के लिए, तो मैं नहीं जा रही थी इतना, मैं बहुत कम जाया करती थी उस टाइम पे, इसीलिए फिर नहीं मुमकिन हो पाया कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ ठीक है। बट जो भी होम रेमेडीज़ मैंने फिर पढ़ी यहाँ वहाँ से और जानी खुद के लिए, फिर वो चीज़ें मैंने ट्राई की, वो सब बहुत बढ़िया तरीके से काम किया मेरे लिए तो। और मैं उसके बाद भी जब मैं कंसल्टेशंस वगैरह भी दिया करती थी लोगों को ठीक है, मैं जुड़ी हुई थी एक कहीं पे मैं काम कर रही थी जहाँ पे मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस दिया करती थी लोगों को, तो उनकी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती थी, उनके क्वेश्चंस होते थे जो वो मुझसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करते थे कि हमें पिंपल्स हो गए हैं और हमें या कुछ भी उनकी प्रॉब्लम होती थी। तो पिंपल्स वगैरह एक्ने वगैरह की मैंने जितनी भी रेमेडीज़ ओवरऑल स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड जो भी उनको दी हैं आज तक, वो थैंकफुली सबके लिए काम करती हैं, और उन्होंने वो मुझे फीडबैक भी देते थे कि हाँ ये चीज़ हमने ट्राई की और ये काम कर रही है। तो मुझे इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती है कि मतलब आप किसी को कोई चीज़ बताओ सिखाओ या उनको सजेस्ट करो कुछ और वो उनके लिए काम कर रहा है, वो खुश है आपके हेल्प से राइट। आपको लाइक आपको क्या मिल रहा है बदले में वो उतना मैटर नहीं करता है, बट वो जो खुशी होती है ना कि हाँ आई एम गुड एट व्हाट आई एम डूइंग, तो वो बहुत बड़ी खुशी होती है कि आप किसी की मदद कर पा रहे हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे चैनल पे मैं आप लोगों के साथ में वो सारी रेमेडीज़ शेयर करने वाली हूँ, वो सारे नुस्खे हाँ दादी माँ के, मम्मी जी के, इसके उसके उसके इसके सबके नुस्खे में जितने भी मैंने ट्राई किए हैं मैं आप लोगों के साथ में जो है शेयर करूँगी ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला, आई नो कि मैंने ऐसे पॉइंट करके नहीं बोला, मैंने बस अपने एक्ने की हिस्ट्री आपको बताई कि कैसे ये शुरू हुआ और अब
क्या है मेरे स्किन का हाल. तो अभी मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं कि पिंपल्स मुझे नहीं होते, बट वो वैसे नहीं हो रहे कि मंथ में एक बार. लाइक मेरा अभी लाइक आई एम ऑन माई पीरियड्स राइट नाउ एंड आई डोंट थिंक यू कैन सी एनी पिम्पल ऑन माई फेस बिकॉज है ही नहीं, है ना. तो ये इसलिए क्योंकि मैं अपने स्किन का ध्यान रख रही हूँ. और अभी तो भाई मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो काम कर भी रहे हैं. मैंने जो एक्ने प्रोन स्किन का स्किन यू नो क्या डे टाइम रूटीन नाइट टाइम रूटीन ये भी शेयर किया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं. उसमें भी एक आध प्रोडक्ट्स हैं एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए जो काम करती हैं. ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड. बाकी जो भी रेमेडीज हैं, जो भी DIYs है या यू नो नुस्खे हैं, टिप्स हैं अपने स्किन को ठीक करने के लिए या अपने हेयर को ठीक करने के लिए, वो तो मैं आगे आपको अपने वीडियोस में बताती ही रहूँगी. ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट है, लाइक कोई भी क्वेश्चन है आपका स्किन से रिलेटेड, स्पेशली एक्ने से रिलेटेड, क्योंकि ये वीडियो एक्ने से रिलेटेड है, तो अगर आपकी एक्ने की कोई भी प्रॉब्लम है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो कि इसको कैसे ठीक करना है या क्या रेमेडी है, तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में बेझिझक होके पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम जो है अपने जो ट्राई किए हुए रेमेडीज़ हैं उनसे सॉल्व कर सकूँ, या आपके लिए अगर मुझे और खोज भी करनी पड़े तो मैं वो भी करूँगी. आई होप कि थोड़ी बहुत हेल्प हो गई होगी आप लोगों को और आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये मेरे जो लाइफ की एक्ने स्टोरी है उसको सुन के. और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे. तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. अनटिल देन, take care and bye-bye.